बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमीन व मुकर्रमीन, अहबाब दावत, वफ़क़्क़नल्लाहु व इय्याकुम लिमा युहिब्बुहु व यर्दा, व ज़ादनल्लाहु व इय्याकुम जिद्दा, व सईयन फ़ी सबीलिही, व जअलना व इय्याकुम सबबन लिन्नुज़ूलिन नुसरतिल ग़ैबिया, व शुयूत तरीक़तिल मुहम्मदिया फ़ी मशारिक़िल अर्ज़ व मग़ारिबिहा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। उम्मीद है कि मिजाज गरामी बखैर व आफियत होंगे और दीन मुहम्मदी की सरसब्जी, शादाबी और उसके तादिया की कोशिशों में पूरी तरह मसरूफ होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए और अक्वाम आलम के हिदायत की तरफ पलटने का ज़रिया बनाए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत की बुनियादी और इम्तियाजी चीज़ और पूरे दीन का क़याम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते की नक़ल व हरकत है। दीन अपने जुमले मुहासन और ख़ूबियों के साथ दुनिया में अहले इस्लाम की नक़ल व हरकत से ही फैला है। इसीलिए खलीफ़े अव्वल हज़रत अबूबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने चंद अफराद उम्मत के जुज़वी दीन के इनकार पर फरमाया था कि अगर ज़कात की रस्सी भी कोई रोकेगा, जिसको वह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़कात में अदा करता था, तो मैं उसके साथ किताल करूँगा और मदीने मुनव्वरा अहले मदीना से खाली कराने और बज़ात खुद भी निकलने के लिए तैयार हो गए। और फरमाया कि अगर मदीने मुनव्वरा में अजवाज मुतहरात को कोई दफन करने वाला न रहे तब भी मदीना खाली होगा, बल्कि इससे भी सख्त कलिमात इरशाद फरमाएं। मेरे और आपके गौर करने की बात यह है कि वहाँ एक रस्सी के इनकार पर मदीना खाली कराया जा रहा है और यहाँ रस्सी भर दीन भी उम्मत के पास बाकी नहीं बचा। ऐसे हालात में खुरूज की अहमियत कितनी बढ़ जाती है। हज़रत मौलाना इलियास साहब नवरल्लाहु मरकदहु फरमाते थे कि अल्लाह के रास्ते के खुरूज में ताखीर करना अजाब इलाही को दावत देना है। हज़रत मौलाना यूसुफ़ साहब नवरल्लाहु मरकदहु फरमाते थे कि जितना ज़्यादा नक़ल व हरकत का उमूमी रिवाज होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कहर के दरवाज़े बंद होंगे और अमन और आफियत, नुसरत और रहमत के दरवाज़े खुलेंगे। नीस फरमाते थे कि एक तरफ घर का अपनी ज़ाती हवाइज और ज़ाती मफादात का मसला है और दूसरी तरफ उम्मत का मसला है। जिसके नज़दीक उम्मत का मसला घर के मसले से ज़्यादा अहम ना हो, वो नबी का नाइब और दाई नहीं हो सकता। अगर हमारे साथियों और काम करने वाले बिलखसूस पुराने ज़िम्मेदार अहबाब का सिद्दीकी मिजाज नहीं होगा तो हमारे काम का रुख ही बदल जाएगा। हम मेहनतों के लिए हालात के साजगार होने के मुंतज़िर हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हालात को साजगार बनाने के लिए हमारी मेहनतों और दीन की नुसरत का मुंतज़िर है। जिन जिन ममालिक के अंदर दावत और काम के एतबार से जितनी सहूलतें हैं, वहाँ तक काम न करना इस नेमत सहूलत की नाशुक्री और आगे के रास्तों के न खुलने का सबब है और नाशुक्री पर अजाब और हिसाब और नेमतों का छिन जाना है। वलियाज़ु बिल्लाह। चार माह चिल्ला और बैरून ममालिक के लिए भी जमातें बनाएं। जिस मुल्क के लिए जमातें तय होंगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उन ममालिक के रास्तों को खोल देंगे। नबूवत वाली फ़िक्र और जज्बे और अहयाए दीन मतीन की तड़प रखने वालों के निकलने पर जब समंदरों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रास्ते पैदा फरमा दिए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन जज्बात और फ़िक्रों को लेकर निकलने वालों के लिए सवारियों का इंतज़ाम क्यों न करेगा? करेगा और ज़रूर करेगा। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़। इसलिए आप हजरात अपने पूरे मुल्क के एतबार से मंदरजा ज़ैल तरतीब का अहतमाम फरमाएं। क़वानीन की रियायत के साथ पूरे मुल्क के एतबार से एक जगह या दो जगह या कमोबेश मकामात पर जब भी आप हजरात अपने मशवरों से अपने ममालिक और इलाकों के अंदर सहूलतों और गुंजाइशों को मद्देनज़र रखते हुए तय फरमाएं, मुल्क के पुराने ज़िम्मेदार अहबाब को जमा फरमाएं।
इनकी दो दो तीन तीन या कमोबेश अफराद पर मुश्तमिल जमातें बनाकर पूरे मुल्क के एतबार से इलाकों में रवाने फरमाएं। ये जमातें भी उन इलाकों के पुराने जिम्मेदार अहबाब को कवानीन की रियायत के साथ मस्कूरा तरतीब के जमा करके जमातें बनाकर शहर दर शहर, करिया दर करिया, घर घर और फर्द फर्द तक दावत पहुंचाने, हिम्मत अफजाई और हौसला अफजाई के साथ अल्लाह के रास्ते के फजाइल के ज़रिए और मौजूदा हालात में उसकी अहमियत मदाफ होने को समझाकर खुरूज पर आमादा करें और हर हर इलाके में आमाल दावत पूरी तरह कायम करें और मसाजिद को 24 घंटे आमाल नबोविया से आबाद रखने की पूरी तरह सही फरमाएं। जिन इलाकों में मसाजिद सिर्फ नमाज के लिए खुलती है वो आपस के मशवरे से कोई जगह वक्ती तौर पर तय फरमा लें और वहाँ आमाल मसाजिद को कायम रखते हुए हर हर फर्द उम्मत को आमाल से जोड़ने की पूरी तरह फिक्र और सही फरमाएं। इसलिए कि मसाजिद हिदायत की जगह और उसके अंदर किए जाने वाले आमाल आमाल हिदायत है। मसाजिद और उसके आमाल से बुरूद के साथ उम्मत का हिदायत और खैर पर बाकी रहना मुमकिन नहीं। ये जमातें काम के तकाज़ों को मद्देनज़र रखकर काम करें और वापस आकर कारगुजारी सुनाएं। इसका एक बड़ा फ़ायदा ये भी होगा कि मुल्क के पुराने जिम्मेदार अहबाब और शूरा के साथियों को नक़ल व हरकत के ज़रिए काम की सूरत हाल का बज़ात खुद देखने का मौका मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हर हाल में गैबी मदद के उतरने के लिए एक बुनियादी शर्त यह है कि ज़िम्मेदार खुद मैदान में उतरें। खंदक के मौके पर चट्टान तोड़ने के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं उतरता हूँ। चट्टान टूटी, ईमान वालों फतेह और नुसरत हुई और मुस्तकबिल के लिए बशारतें सुनाई गई जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़ाहिर के ख़िलाफ़ अपनी कुदरत कामिला से पूरा फरमाया। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जितने आली अफराद आली मौके पर इस काम के लिए मुतहरिक होंगे उतनी ही इस काम के फ़ुरूग़ और हक के आम इस्तकबाल की सूरतें सामने आएगी। हमें उम्मीद है कि आप हजरात का इस वक्त पूरे मुल्क का दौरा करना साथियों की हिम्मत अफजाई और काम को मामूल पर लाने में इंतहाई मुआविन और मददगार होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आप हजरात मस्कूरा तरतीब के मुताबिक मेहनत करते हुए अपनी कारगुजारियाँ ज़रूर इरसाल फरमाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिम्मत अता फरमाएँ और मेहनतों को अपने फजल व करम से कबूल फरमाएं। आमीन। वस्सलाम। मोहम्मद सआद व अहबाब मशोरा, बंगले वाली मस्जिद, निज़ामुद्दीन, नई दिल्ली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। शुभहात का इजाला पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सबसे